जय जिनेंद्र, मैं बीकानेर से अनीता खजांची। आज मैं बनाने जा रही हूँ बचे हुए चावल से तवा पनीर पुलाव, जो इसे बहुत पसंद किया जाता है। इतनी सारी सब्जियाँ होते हुए बच्चे बड़े शौक से खाते हैं इसको। तो मैं बनाने जा रही हूँ अपना पुलाव, और इसमें चाहिए विशेष शिमला मिर्च, पनीर, मटर, प्याज, टमाटर, और मैंने दो मिर्ची भिगो के, आधा घंटा भिगो के उसमें गार्लिक डाल के कूट के रख लिया। और मसाले में विशेष कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पाव भाजी मसाला, नमक और जीरा, और इसमें अदरक एकदम भी नहीं डालना। और ये पुलाव तेल में ही बनता है, बहुत ज़्यादा तेल नहीं जाता है। मैं इसमें करीब 2 चम्मच तेल डाल रही हूँ। थोड़ा सा तेल गर्म होने दीजिए। हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सबसे पहले शिमला मिर्च डाल रहे हैं। थोड़ा शिमला मिर्च को सोते करेंगे। अब अगर आपके पास गाजर है तो इसके बाद छोटे छोटे टुकड़े करके गाजर डाल दीजिए। मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया है। अब मैंने इसमें लंबे लंबे प्याज काटे हैं, वो डाल रही हूँ। करीब डेढ़ प्याज, मीडियम साइज के प्याज डाल रही हूँ मैं। अब इसको भूंजूंगी मैं। अब मैं इसमें, देखिए मेरे प्याज लाल हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर टमाटर डाल रही हूँ। मैंने इसमें 2 टमाटर डाला है। इस टमाटर को भी अब अपने जब तक इसका ये पानी सूख ना ले तब तक चलाना। फिर जब पानी सूखने लगे तो आप अपने को इस मैशर से इस टमाटर को पूरे अच्छा तरह से मैश कर देना है। देखिए कितनी कलरफुल सब अपना ये सब लग रहा है, और बच्चों के पेट में कितने सारे सब्जियां चली जाएगी। देखिए अब इसको ऐसे पूरा जितना तब तक ये टमाटर मैश नहीं हो जाते हैं, इसको ऐसे ऐसे करते रहेंगे। इस पुलाव को ज्यादा टाइम नहीं लगता है बनते हुए। देखिए मेरा ये टमाटर मैश होने लग गया। ये देखिए हमारी सब्जियां पूरी पक चुकी है। अब मैं इसके अंदर जो मैंने मिर्ची भिगो के और गार्लिक डाल के कूटा था वो मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, ताकि पूरा सब्जियों के अंदर, और थोड़ा नमक डाल रही हूँ, स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। थोड़ा सा और भून लेती हूँ। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मटर, जो मैंने पहले ही उबाल के रख लिए थे। मेरे को मटर को मैश नहीं करना था इसलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में रखा। अब डाल रही हूँ मैं, देखिए इसमें बहुत अच्छी खुशबू आने लगी गार्लिक की। अब मैं इसमें डाल रही हूँ, सब लोग तो पुलाव में बिरयानी मसाला डालता है, लेकिन मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पाव भाजी मसाला। आपके स्वाद के अनुसार अपना मसाला डाल सकते हो। देखिए एकदम कम तेल में इतनी सारी सब्जियों के संग, अब मैं इसके अंदर अपने घर हाथ से घर बनाया हुआ पनीर, ये जो घर पे बनाया मैंने, वो डाल रही हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है इसका कलर। अब ये पक कर पूरा तैयार हो चुका है। मैं गैस बंद कर दूँगी, क्योंकि चावल डालते वक्त गैस बंद कर देना चाहिए ताकि चावल टूटे ना। ये मैं अपने बचे हुए चावल डाल रही हूँ, और गैस बंद कर दिया मैंने ताकि मेरे चावल टूटे ना। देखिए इतना सुंदर लग रहा, और हेल्दी, कम तेल में इतनी सारी सब्जियाँ बच्चों के, अपने बड़ों के पेट में जाएंगी।
ये देखिए मेरा पूरा पुलाव तैयार है। अब मैं इसको गार्निशिंग करती हूँ। ये हमने प्लेटिंग कर दी है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। आप सबको खिलाइए और खुश हो जाइए।